ये क्वेश्चन है सर, पीजीटी टीचर ले बीएड वी मस्ट है या मास्टर डिग्री तो बाद वी पीएच टीचर लग सकते हैं। काफ़ी कंफ्यूजन है पीजीटी टीजीटी को लेके। एक बात ये समझ लीजिए कि सब्जेक्ट और सब्जेक्ट की ही सिर्फ बात नहीं करनी, यहाँ पर एक और शब्द ऐड कर देता हूँ, यहाँ पर स्कूल सब्जेक्ट, क्योंकि स्कूल टीचर बनना है बीएड वाले। अब 6th से 10th ये हो गया एक, जहाँ 11वीं 12वीं दो, ये नहीं है कि 6 से 12 को आप पढ़ा सकते हो। मैंने इधर क्यों 11-12 लिखा, क्योंकि इधर क्यों 6 से 10 लिखा, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट हैं इंटीग्रेटेड हैं। दो एग्जाम्पल हमारे पास हैं, साइंस और सोशल साइंस, और कुछ सब्जेक्ट सेपरेट ही हैं। साइंस के अंडर बायो साइंस सेपरेट हो जाती है, फिजिकल साइंस सेपरेट हो जाती है। हाँ, कई ब्रांचेज हैं जो स्कूल के इस सब्जेक्ट को सपोर्ट करती हैं, उनकी लिस्ट अलग से दी गई है। कई जो ब्रांचेज हैं जो फिजिकल साइंस को सपोर्ट करती हैं, जैसे केमिस्ट्री वगैरह है, तो ये ऐसे ही सोशल साइंस इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट है। और उसके पार्ट्स जो हैं, मैंने 4 ही क्यों लिखे, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स। एनसीटी ने 13 दिए हुए हैं और पंजाब गवर्नमेंट ने 7 दिए हैं, 7 उसके बाद 9 भी किए हुए हैं, है ना, फिलॉसफी और ये साइकोलॉजी ऐड कर लिया था। तो ये जो, क्योंकि ये सारा संबंध स्कूल से है, स्कूल के बच्चों को पढ़ाना है। आपको बीएड तो करवा देंगे बाद वाले सब्जेक्ट लेके, लेकिन स्कूल के बच्चों को जो चाहिए वो मोस्ट रेलेवेंट होगा। अगर तो आपने 6वीं से 10वीं तक के लिए बनना है, तो आपको ग्रेजुएशन में, ये ग्रेजुएशन में वही सब्जेक्ट पढ़ा हुआ होना चाहिए, और बीएड में भी उसी सब्जेक्ट की, ग्रेजुएशन में उसी सब्जेक्ट की, फॉर एग्जांपल साइंस, और यहाँ पेडागोजी ऑफ साइंस, वो पढ़े हुए होने चाहिए। अब पीजीटी, यहाँ हो गया टीजीटी, ये हो गया टीजीटी 6 से 10वीं क्लास के लिए है, और ग्रेजुएशन के स्कोर, आपकी एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन के बेस पर बन रही है। हर हालत में, बेशक बीएड आपने एमए इंग्लिश की हुई थी, एमएससी की हुई थी, कुछ भी किया हुआ था, लेकिन ग्रेजुएशन को उठाना ही उठाना है गवर्नमेंट जॉब वालों ने, कि ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है। तो जो इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट हैं, उनकी पीजीटी नहीं बन सकती, उनके इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट की बन सकती है, ठीक। और दो, वो दो एग्जांपल हैं, सोशल साइंस की पीजीटी नहीं बन सकती, सोशल साइंस और साइंस टीजीटी ही रहेंगे, 10वीं तक ही रहेंगे ये, क्योंकि उसके बाद स्पेशलाइजेशन थोड़ी शुरू होती है 11वीं और 12वीं में, उसको सब्जेक्ट को सेपरेट कर दिया जाता है। दैट इज वाई यहां पर अगर पीजीटी बनना है, तो आपने बीएड में उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट का को चूज करना है, है ना, उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट, जैसे यहाँ हिस्ट्री है उसको चूज कर रहे हो, पॉलिटिकल साइंस को चूज कर रहे हो, ज्योग्राफी को चूज कर रहे हो, पेडागोजी ऑफ इकोनॉमिक्स को चूज कर रहे हो, और वही सब्जेक्ट की आपकी प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए। अब पोस्ट ग्रेजुएशन बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, जो क्वेश्चन में पूछा गया था, आपने बीएड कर ली है और स्पेसिफिक ये वाला स्पेसिफिक ले लिया जो सब्जेक्ट है, है ना, इंटीग्रेटेड नहीं लिया। अगर इंटीग्रेटेड लिया तो आप टीजीटी के लिए हो गए, अगर जो है ये बन गया स्पेसिफिक सेपरेट इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट लिया, तो आप पीजीटी के लिए ही जा सकते हो, इधर आप एलिजिबल नहीं हो। और यहां पर एलिजिबल बनने के लिए आपको उसी सब्जेक्ट की, ये यहां से लाइन खींच रहा हूं, उसी सब्जेक्ट की पोस्ट ग्रेजुएशन करनी होगी। ये डिफरेंट है कि बीएड के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन कर लो, बेशक बीएड के साथ कर लो, साथ भी कर सकते हो, इग्नो से साथ हो रही है, ओपन यूनिवर्सिटी से साथ हो रही है, है ना, साथ में कर लो, जहां बाद में कर लो, जहां उससे पहले पीजी की हुई है। दैट इज वाई जब भी गाइडेंस आपने लेनी थी, आपने ये बताना था कि ये मैंने पीजी नहीं की, ये मैंने पीजी करनी है, इच्छा है, भविष्य में कर लूंगी। मैं गाइडेंस तभी दे सकता था, और मुझे काफी एनर्जी लगानी पड़ी कि एक ही बात को मैं कितनी बार रिपीट कर रहा हूं। तो जब भी पेडागोजी ऑफ हिस्ट्री ये स्पेशल सब्जेक्ट आएगा, तो आपका मतलब है पीजीटी की जा रहे हो। पॉलिटिकल साइंस आएगा पीजीटी, ज्योग्राफी, पेडागोजी ऑफ ज्योग्राफी पीजीटी, इकोनॉमिक्स पीजीटी, बायो साइंस, लाइफ साइंस पीजीटी, फिजिकल साइंस है ना, केमिस्ट्री पीजीटी। हाँ, इसके अलावा कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जो इन दोनों में आते हैं, वो कंफ्यूज कर रहे हैं, वो कौन से हैं, लैंग्वेज सारी, वो इधर नहीं आ रही,
यहाँ मैंने कुछ नहीं लिखा लैंग्वेजेस या ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस आप पढ़ते हो, आप टीचिंग ऑफ इंग्लिश पढ़ते हो, इसी मिड में भी लिखा जा सकता है इंग्लिश। इंग्लिश की अगर एमए की हुई हो तो पीजीटी के लिए एलिजिबल हो गया। ये सब्जेक्ट आपको बहुत बचाते हैं। मैं इसीलिए कहता हूँ कि आप इंग्लिश ले लो, कॉमर्स वालों, बीबीए वालों इंग्लिश ले लो, मतलब लैंग्वेज ले लो, हिंदी ले लो, पंजाबी, व्हाटएवर जो लेना चाहते हो आप, एक साल जो पढ़ो। उसका दूसरा फायदा क्या है कि अगर आप लैंग्वेज लेते हो, ये सेपरेट सब्जेक्ट ही लेते हो, इंटीग्रेटेड में से हुआ सेपरेट नहीं, जो रहेगा ही सेपरेट। इंग्लिश ने सेपरेट ही रहना है, इंटीग्रेट नहीं होगी। हिंदी ने सेपरेट ही रहना है, फिजिकल एजुकेशन ने सेपरेट ही रहना है, होम साइंस ने सेपरेट ही रहना है, म्यूजिक ने सेपरेट ही रहना है, ऐसे बाकी भी जो सब्जेक्ट हैं स्कूल के, पर उनमें से मोस्ट क्यों ये सुजेस्ट की जाती है, इनकी पोस्ट भी ज्यादा होती हैं, और ये आपको ये नहीं है कि ये पीजीटी या टीजीटी के लिए, इसका एक ही संबंध है। अगर उसकी पोस्ट ग्रेजुएशन है, फॉर एग्जांपल बीएड में आप पेडागोजी ऑफ इंग्लिश पढ़ा और आप एमए इंग्लिश करनी है, जो कर ली है, जो कर रहे हो, तो आप पीजीटी के लिए भी एलिजिबल और टीजीटी के लिए एलिजिबल। प्रॉब्लम क्या क्रिएट कर रहे हैं, ये इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, और आपको आइदर चूज करना पड़ेगा। आप ये नहीं ले सकते, अच्छा साइंस में तो ले भी सकते हैं, साइंस एंड लाइफ साइंस आप ले सकते हो, साइंस एंड फिजिकल साइंस, पर सोशल साइंस में ऐसा नहीं है कि सोशल साइंस एंड हिस्ट्री नहीं है, सोशल साइंस एंड फिजिकल पॉलिटिकल ऐसा नहीं है। दैट इज वाई यहां पर आपको एक चूज करना पड़ता है। साइंस वाले को लिए तो चलो ठीक है, सोशल साइंस वाले तो पक्का ये है कि आइदर टीजीटी और जो है पीजीटी है ना, चूज करो। टीजीटी क्यों सजेस्ट करते हैं, क्योंकि इसकी पोस्ट ज़्यादा होती हैं, कॉमन है, और इसकी ग्रेजुएशन तक है, और ये पोस्ट जल्दी जल्दी निकलती हैं, जल्दी भी नहीं निकलती, कम भी निकलती है, तैयारी भी ज़्यादा करनी पड़ती है। तो बहुत आप सुपरमैन की तरह हो तो पीजीटी की तरफ जाओ, शौक है, अदरवाइज यहाँ टिक। बस ये कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए वीडियो बनाई थी। थैंक यू।